अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो आज का ब्लॉग मैं अब शुरू कर रहा हूँ और आज दिन है फ्राइडे। मुबारक हो कि मेरा ओपीसी था वो सेट हो गया। ओपीसी मेरा कैसे सेट हुआ, जो मैंने लास्ट टाइम स्टोरी लगाई थी कि मेरा ओपीसी ख़राब हो गया तो कैसे सेट हुआ, उसकी पूरा पर ये ब्लॉग है। और इसके अंदर मैंने कुछ कुकिंग वगैरह भी करी है, तो इस ब्लॉग को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना मेरी इस वीडियो को। और स्टार्ट में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके उसको लाजमी ऑन कर देना। इससे क्या होता है, आज के ब्लॉग में है हम आज खुद पीसी रिपेयर करेंगे अपना, दूसरा कुकिंग करेंगे, तीसरा शूज़ फूस मैं अपने स्प्लिन क्लीन करूँगा। तो मैं अभी ये सब बोलने से अच्छा मैं आपको ये सब चीज़ें करके दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल रात के 3 बज रहे हैं, मैं अपना ब्लॉग एडिट करके बैठा ही था कि विंडो जो हो गई हमारी करप्ट हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा विंडो कैसे सही होगी। आप देख सकते हो कि विंडो टोटली करप्ट हो गई है, ब्लू स्क्रीन उसको बार बार उसको एरर दे रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा इसको हम कैसे ठीक करें। अगर ये ठीक होती है तो मेरा ब्लॉग जो है वो जल्दी आ जाएगा, अगर नहीं ठीक होती तो मेरा ब्लॉग फिर गया, फिर वो आएगा 2 या 3 दिन के बाद, क्योंकि विंडोज़ फिर सॉफ्टवेयर फिर ड्राइवर फिर विंडोज़ फिर एडिटिंग सब कुछ फिर टाइम लग जाएगा। असल में हुआ ये है कि कल मैं अपने पीसी के अंदर कुछ काम कर रहा था, चलते चलते वो बंद हो गया। अब वो बंद हो गया समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। एक ब्लू स्क्रीन टाइप का एरर होता है जो आपके सिस्टम में आता है, चेक कर लेता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही, क्योंकि अभी तक ग्राफिक्स कार्ड चेक कर लिया, रैम चेक कर ली, SSD चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया, सेल टाइप चेंज कर लिया, फिर भी ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है। फिर फिक्स करने की कोशिश करते हैं, अगर फिक्स नहीं होगा तो सिंपल बात है फिर मदरबोर्ड ही चेंज होगा, क्योंकि मदरबोर्ड ख़राब हो गया है। फाइनली अभी पीसी मेरा जो है वो फाइनल हो चुका है और समझ में आ गया कि मुझे कि मेरी जो एक रैम थी वो ख़राब हो चुकी है। अभी मैंने इसके अंदर दूसरी रैम इंस्टॉल करी है तो ये अभी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे मैक्सिमम 8 से 9 घंटे लग गए, क्योंकि प्रॉब्लम एक नहीं थी, प्रॉब्लम फ़ैन की भी थी, प्रॉब्लम ग्राफिक्स कार्ड की भी थी, प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की भी होती है, प्रॉब्लम हार्डवेयर की भी होती है, इनमें से आपको एक प्रॉब्लम फाइंड करना पड़ती है। मैं जो अभी फिलहाल डर गया था, क्यों डर गया था, क्योंकि मेरा जो सेकेंड थर्ड जो ब्लॉग है वो मेरे सिस्टम के अंदर ही एडिट हुआ हुआ था और मैं समझ लो कि परेशान हो गया था कि मैंने अपने मोबाइल से भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया था और मैं सिर्फ ड्राइव में थी। लेकिन आपको पता है कि एक ब्लॉग बनाने में कितना टाइम लगता है, उसको एडिट करने में कितना टाइम लगता है। अगर मैं चाहता फिर से बनाता था फिर से बन जाता किसी भी सिस्टम में तो वो बात नहीं आती। लेकिन मेरे पास शुक्र है कि डी ड्राइव के अंदर वो डेटा सेफ था। और डी ड्राइव को हमेशा आपके पास 2 ड्राइव होनी चाहिए सिस्टम में, एक जिसके अंदर आप विंडोज ऑपरेट करते हो, दूसरी आप जिसके अंदर अपना डेटा रखते हो। मेरा डेटा दूसरी ड्राइव में था तभी वो बच गया है और इंशाल्लाह अब मेरा ब्लॉग जो है आपको आज ही मिल जाएगा जो आने वाला है। सही है, जब यहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या करता हूँ, जब मुझे पता है कि मेरा चार्जर ख़राब हो गया, मुझे पता है कि मेरी हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई, तो मैं फ़ौरन टेंशन में आ जाता हूँ, उसके पीछे लग जाता हूँ। लगे 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 कल मैं 3 बजे लगा, लगे 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 मुझे उसमें 8 बज गए, 8 बजे सब कुछ करने के बाद सोया, सुबह उठा फिर वो प्रॉब्लम आ रही थी। फिलहाल अभी कोई प्रॉब्लम क्लियर हो चुकी है। अच्छा, मुझे आज एक और काम करना है। अब मेरा सिस्टम सेट हो गया, मुझे अपने जो शूज़ थे जो वाइट वाले शूज़ मैंने आपको ब्लॉग में दिखाए थे उसको मुझे क्लीन करना है, क्योंकि वो गंदे वाइट शूज़ यहाँ पर जब भी पहनता हूँ ना तो वो गंदे हो जाते हैं, तो उसको मैं सोच रहा हूँ उसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद उसको मैं उसको ड्राई के लिए रख दूँगा। ये मेरे शूज़ हैं जो मुझे मैंने कल आपको दिखाए थे, ये शूज़ मेरे हो गए काफ़ी गंदे, तो सोच रहा हूँ मैं इनको पहले साफ़ कर लूँ, साफ़ करने के बाद उसको मैं वॉश के लिए कर दूँ, वही मतलब कि मैं उसको वॉश कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदे हो रहे हैं। और गंदे शूज़ वाइट, आपको पता है कि 2 मिनट में गंदे होते हैं तो शूज़, और वो वाइट हो तो वो बहुत ही बुरे लगते हैं, तो मैं उसको जल्दी से क्लीन कर लेता हूँ और उसको सुखाने के लिए रख देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मेरे ये शूज़ हो गए क्लीन, अब इनको धूप में सूखने के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छे से साफ़ सुथरे होकर सूख जाए। और ये मैंने उसको क्लीन कर लिया है, देख सकते हो आप, सब क्लीन हो चुका है शूज़। अब रात के 11 बज रहे हैं और घर में बनाए हैं कबाब, मुझे कबाब खाने ही नहीं है क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है कबाब। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने लिए कुछ ऑमलेट वगैरह फिर चाय वगैरह बना लूँ। काफ़ी मेहनत के बाद आखिर का चूल्हा हम जला ही लिया, ये आ गया हमारा तवा। अब तवा थोड़ी देर गर्म हो जाए उसके बाद हम उसमें खाना वाना बनाते हैं।
अभी तो फिलहाल मैंने अंडा बना लिया है और अंडा बन रहा है मेरा, और मेरी चाय भी चढ़ी हुई है चूल्हे पे। देखो मैं कोई किचन कुकिंग चैनल नहीं है मेरा, लेकिन बस थोड़े बहुत काम मुझे भी करना आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इसको, वैसे मैं बनाता खुद भी नहीं, अंडा हो या चाय हो मैं बोलता मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए, लेकिन आज सिर्फ ब्लॉग के लिए मैं इसको बना रहा हूँ। मेरी चाय रेडी हो गई है और मेरी रोटी और मेरा अंडा। तो मैंने अपनी चीज़ें जो थी वो मैंने खुद बना ली है, अब मैं उसको टेस्ट करके देखता हूँ कि मैंने ये फर्स्ट टाइम अंडा कैसे बनाया। चाय तो मैं खैर बनाता रहता हूँ कभी भी, वहाँ मुझे घर पर कुछ घर वाले गए हुए हों या फिर अम्मी गए नहीं हो, चाय तो मैं खुद बना लेता हूँ, लेकिन अंडा मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया है, तो उसको टेस्ट करके देखता हूँ कैसा बनता है। वाह,